हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस नीट 2023 जूलॉजी क्वेश्चन पेपर। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 151। सी वैसेक्टमी, वैसेक्टमी ट्यूबेक्टमी ये दोनों सर्जिकल मेथड्स है। एंड कॉइटस इंटरप्टस, कॉइटस इंटरप्टस इज अ नेचुरल मेथड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉइटस, राइट? इंटरप्टेड, द कॉइटस इज इंटरप्टेड, दैट इज नेचुरल मेथड। सर्वाइकल कैप, डायाफ्राम, दीज ऑल आर बैरियर्स। एंड सहेली इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लीजिए, A3, B4, C2 एंड D1। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 152। सो टू स्टेटमेंट्स आर गिवेन। सो द फर्स्ट वन इज वॉट, वैस डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज एजैकुलेटरी डक्ट। इट इज करेक्ट स्टेटमेंट ओनली, बिकॉज सी दिस इज वैस डिफरेंस and after receiving a duct from seminal vesicle, now it is continued as ejaculatory duct and it opens into urethra. So it means the statement is correct. And what about the statement 2? The cavity of the cervix is cervical canal, correct? And with vagina it forms birth canal. So birth canal is a cervical canal and vaginal canal combination. So this is also correct. So both the statements are true. Now question number 153 is which of the following statement is correct? Correct statement identify karna hai. So yahan pe correct statement, see, biomagnification is accumulation of toxicants at a increasing concentration in a increasing tropic level. So यहाँ पे क्या होता है, particular toxicants जो होते हैं, जैसे DDT की बात कर लो, ये क्या होता है, increase होते जाएंगे अलग अलग tropic level पे, successive tropic level पे। तो ये तो direct है, question number 153 2 होगा। Now question number 154 is regarding pedigree fine symbols के बारे में है। We know that this is, the question is a symbol that is representing what? मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। आप इसी को कंसैंग्विनस मैरिजेस बोल के पढ़े थे, तो कंसैंग्विनस मैरिजेस के लिए ये वाला सिंबल होगा। देखिए यहाँ दो लाइन है मेल फीमेल के बीच में, दैट इंडिकेट्स व्हाट, दैट इज अ कंसैंग्विनस मैरिजेस या मेटिंग बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव्स। नाउ 155 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 155 कुछ डिसीजेस मेंशन किया है, तो एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया है, देर आर सम डिसीजेस विच कैनॉट बी, जहाँ पे ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते आप, तो क्योर नहीं है वहां पे। किसका क्योर नहीं है? एचआईवी का क्योर नहीं है, हेपेटाइटिस बी का क्योर नहीं है, जेनिटल हर्प्स का क्योर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए, डिसीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल, क्यूरेबल पूछा है, तो ये तीन नहीं है, तो मतलब आपका गोनोरिया डायरेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 156 इज फ्रॉम द टॉपिक ड्रग्स। तो ड्रग्स की बात करते हैं, तो एक सीधा सीधा आप एक ऑप्शन ढूंढो। यहाँ पे देखिए, कोकेन की बात किया, ये हम लोग बहुत बार डिस्कस किए, भाई ड्रग अब्यूज से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कोकेन जो है, इट इंटरफियर्स विद द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, सो इट अफेक्ट्स ऑन लिबिडो, ये सब पढ़े थे हम। तो देखिए, कोकेन की बात कर रहा हूँ, इंटरफियरिंग विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, C4, ऐसा एक ही जगह दिया है, ऑब्जर्व करिए, एक ही जगह है, यहां मिल गया। बाकी ऑप्शन भी देखना है, तो हेराइन, मॉर्फाइन, मॉर्फाइन की बात करो, मॉर्फाइन एक क्या है सर, ये एक पेन किलर है। एंड हेरोइन की बात करो, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, मॉर्फाइन में लिखे थे आप, मॉर्फाइन द पर्सन अंडरगॉन सर्जरी उसके लिए इफेक्टिवली काम करता है। फिर मार्जुआना की बात किए, राइट सर, तो ये तो आपका इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो सिंपल है, पहले ही आंसर मिल गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 157, ये जॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है। जॉइंट्स में मैं आपको एक न्यूमोनिक दिया, याद है, सिंपल न्यूमोनिक क्या था, SCM याद रख लो, SCM याद रख लो। ये SCM क्या होता है, S का मतलब होता है आपका सैडल जॉइंट, C का मतलब कार्पल, मेटाकार्पल। अब इसमें ऑप्शंस में देखिए, सैडल जॉइंट ऑलरेडी दिया है, सो द सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, इसका मतलब ये ऑप्शन ढूंढिए, ये देखिए, कार्पल एंड मेटाकार्पल, मतलब D3 कहाँ है, D3 एक ही जगह दिया है। देखिए, एक सिंपल न्यूमोनिक से आपको आंसर मिल गया, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते। जैसे आप बोले कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड फाइब्रस, फाइब्रस जॉइंट जो है स्कल बोन्स के बीच में है, फाइब्रस जॉइंट्स आर इमूवेबल जॉइंट्स, तो वो आपका स्कल बोन्स में होता है। एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्या है, स्लाइटली
इजिली मूवेबल है, इसलिए ये कहाँ होगा, बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रे है, एडजेसेंट वर्टिब्रे है, वहाँ पे होगा। तो मिल गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 158 की बात करते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। आपको पता है एक पेप्टाइड या प्रोटीन के बारे में जानते हो, ये पेप्टाइड या प्रोटीन समझो, दिस इज योर फर्स्ट अमीनो एसिड, दिस इज लास्ट अमीनो एसिड। फर्स्ट अमीनो एसिड का एन टर्मिनस फ्री होता है, लास्ट अमीनो एसिड का सी टर्मिनस फ्री होता है, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बट स्टेटमेंट नंबर वन देखिए आप, फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल बोला, यहीं पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, एडल्ट हीमोग्लोबिन इज हैविंग फोर सब यूनिट्स, ऑफकोर्स टू अल्फा टू बीटा। हीमोग्लोबिन में चार हीमोग्लोबिन में आपको चार चेन्स होते हैं, वो है टू अल्फा टू बीटा, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, लुक एट हियर, एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 की बात करो। 159 इज अबाउट नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। सर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इज कनेक्टिविटी ऑफ मेम्ब्रेन्स, राइट, ईआर, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ये सब होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया गलत है, क्लोरोप्लास्ट गलत है, पेरोक्सीजोम गलत है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिवन, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स गिवन, मतलब आपको नॉट कंसिडर्ड पूछा है, तो ए सी ई दैट इज ऑप्शन टू इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 160, वंस अगेन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। द टू स्टेटमेंट्स आर लाइक आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, भाई मॉलिक्यूलर बेसिस डायरेक्ट पॉइंट है, एनसीईआरटी लाइन है। सो आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, इसीलिए वायरसेस के बारे में भी बात हुआ कि वायरसेस हैविंग आरएनए जीन, दे आर हैविंग शॉर्ट लाइफ। मतलब स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट, 160 इज करेक्ट ओनली, राइट, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब 161 की बात करते हैं। 161 में देखिए डाइजेशन चैप्टर से है, जो आपको पहले से पता है ANF, इसके ऊपर वीडियो भी बना। देखिए हम जो किडनी फंक्शन रेगुलेशन पे जो YouTube में वीडियो बनाया था मैं, वो जो वीडियो में आप देखे थे कि उस टॉपिक से इस टेस्ट में कम से कम दो क्वेश्चन आया है। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लीजिए, ANF एट्रियल नैट्रियोरेटिक फैक्टर, तो ये आपको एट्रिया बोल दिया, एट्रिया इज रिलेटेड टू व्हाट, हार्ट, हो गया ये पता है। ADH के बारे में, वैसोप्रेसिन के बारे में, सो इट इज रिगार्डिंग व्हाट, किडनी, हो गया यहीं पे मैच हो गया। लेकिन चेक कर लो CCK कोलसिस्टोकाइनिन, इट इज रिगार्डिंग व्हाट सर, पैंक्रियास एंड गैस्ट्रिक, ये देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल गया, 161 सॉल्व हुआ। 162 की बात करो, वंस अगेन असर्शन एंड रीजनिंग इज गिवन। असर्शन क्या है, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, यस सर, जो हम ब्लास्टोसिस्ट की बात करते हैं, बॉल ऑफ सेल्स की बात करते हैं, इम्प्लांटेशन उसका होगा यूट्रस का एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ऊपर, सो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, असर्शन इज करेक्ट। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम degenerates, of course if the egg is not fertilized corpus luteum degenerates to form corpus albicans, ye bhi statement sahi hai, dono statement sahi hai, option dekhte hai, both statements are true and is correct explanation, dekho dono statement sahi hai lekin reason मतलब assertion reason का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा option होगा 2, that is both are true but explanation से मतलब नहीं है। Next question number 163 की बात करो, यहाँ कुछ parasites दिया है, जैसे ringworm trichophyton diseases की बात हो रहा है, fungal diseases की बात हो रहा है, ringworm trichophyton epidermophyton ये सब पढ़ा है। Filariasis, we know that filariasis बोलिए, Wuchereriasis बोलिए, elephantiasis बोलिए, एक ही है, तो ये देखिए Wuchereria bancrofti, another one Wuchereria malai, then malaria की बात करो, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, next one pneumonia, Haemophilus influenzae, तो हो गया सवाल, हो गया 163, 164 की बात करते हैं। 164 जो है यहाँ पे फिर से दो स्टेटमेंट है, the two statements, फर्स्ट वन बोल रहा है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम्स टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट, वेर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज, वी नो दैट एंजाइम्स फंक्शन एट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड बिलो द 20 डिग्रीज या पर्टिकुलर लोअर टेम्परेचर पे इनएक्टिव होते हैं, हाई टेम्परेचर पे अमीनो एसिड का जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है वो ब्रेक होते हैं डीनेचर, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन द इनहिबिटर इज क्लोजली रेजेंबलिंग द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम नोन एज कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, बॉटनी सॉल्यूशंस में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, कॉलम को मैच करने बोल रहा है, टीनिया की बात करो, एक तरफ आपको पैथोजेंस है और एक तरफ आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है। टीनिया क्या होता है, टेप वॉर्म, टेप वॉर्म में क्या है, फ्लेम सेल,
तो मैच हो गया यहाँ पे। पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम अमीबा, इन सब में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा आप कॉकरोच की बात कर रहे हो। फेरिटेमा पोस्टमा अर्थवर्म की बात करते हो। अर्थवर्म क्या है? एनिलिडा। एनिलिडा में क्या होता है? नेफ्रिडिया होगा। पेरिप्लेनेटा में फिर यूरिकोस ग्लैंड्स की बात होगा। मैच हो गया, राइट। 166 की बात करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डजंट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस की बात हो रहा है, हमें पता है डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस में पीसीआर का काम है। पीसीआर है, ऐसे कुछ आपको लिस्ट दिया था, आरएफएलपी हो सकता है, पीसीआर हो सकता है, लेकिन इसमें पूछा है कि नॉट सर्विंग द पर्पस ऑफ अर्ली डिटेक्शन, सीरम एनालिसिस एंड यूरिन एनालिसिस। सो ये आंसर होगा 166 का। नेक्स्ट वन 167, हाँ यहाँ पे आपको लेपर्ड या लायन विथ ग्रासलैंड, तो ये तो कॉम्पिटिशन की बात हो रहा है, जैसे आप बता रहे हो कुकू बर्ड है, ब्रूड पैरासाइटिज्म, यू नो दैट कुकू बर्ड ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो, सो दैट इज ब्रूड पैरासाइटिज्म। फंगस की बात करते हो तो फंगस किसके साथ होता है? फंगस विथ हायर प्लांट रूट, सो दैट इज म्यूचुअलिज्म। कैटल एग्रेट विथ कैटल, ठीक है, ये भी आपका डायरेक्ट दिया है, मतलब यहाँ तो मैच डायरेक्टली हो रहा है। वन देखिए ए वन बी टू सी थ्री, मतलब आगे ही दे दिया कॉलम वन कॉलम टू का मैचिंग। 168 की बात करते हैं, तो जब 168 है यहाँ दो स्टेटमेंट्स है, सो कार्टिलेज एंड लिगामेंट के बारे में। सो फर्स्ट वन देखिए, लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर, सी टेंडांस एंड लिगामेंट्स कम अंडर डेंस रेगुलर, ओके। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया, लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर बोला है ना, तो ये तो गलत है, फिर रेगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट वन कार्टिलेज एंड बोन दे आर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज, यहाँ क्या लिखा है? कार्टिलेज डेंस रेगुलर है, तो ये भी गलत है, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट पार्डन यस हाँ फाइन, स्टेटमेंट दोनों भी गलत होना चाहिए, कार्टिलेज और ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका आंसर देख लीजिए, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ, लिगामेंट जो है, टेंडांस जो है, डेंस रेगुलर में आते, यहाँ क्या दिया? इरेगुलर, तो गलत होगा स्टेटमेंट। सेकेंड वन क्या है? कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर अभी बताया, क्या है डेंस रेगुलर? लिगामेंट एंड टेंडन, तो मतलब ये भी गलत है, तो ठीक है 168 टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 की बात करूं, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, प्रोकैरियोटिक डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज, अरे भाई प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, कोई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, यहीं पे रॉन्ग हो गया, फिर गलत स्टेटमेंट है। यूकैरियोट्स हैव नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए, यस, एंड wrapped around positively charged histone octamer, that is correct statement. तो इसके according statement 1 is incorrect, 2 is correct 1. हो गया 170 की बात करते हैं। 170 क्या है? अच्छा, anatomy of eye क्या है? आप फोविया की बात करते हो, मैक्यूला ल्यूटिया याद है, वहां पे फोविया पढ़ाया मैंने, क्या होता है सर? ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी, ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी। आयरिस, तो ये तो विजिबल कलर्ड पोर्शन होगा। ब्लाइंड स्पॉट, जहां आपको रॉड्स, मतलब आपके फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है यहां पे? पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीविंग फोटो रिसेप्टर्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट वन स्क्लेरा, यू नो दैट आउटर मोस्ट लेयर, ये जो स्क्लेरा स्क्लेरॉइड की बात करते हो, विद कनेक्टिव टिश्यूज, तो डी टू होगा, एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई विद डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, तो 170 हो गया। चलिए 171 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, एवोल्यूशन चैप्टर से है, हम लोग एडाप्टिव रेडिएशन पढ़े, देर इज अ फिगर रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, तो वहाँ ग्रुप ऑफ मार्सुपियल्स को ऑप्शन में दिया है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स विथ एडाप्टिव रेडिएशन, तो नंबैट, स्पॉटेड कसकस, फ्लाइंग फलेंजर, ये डायरेक्ट आंसर है, वहाँ एक फिगर था, उस फिगर से क्वेश्चन बना है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। 172 देखिए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछा है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है फीमेल साइकिल के बारे में, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, नॉन प्राइमेटा में, प्राइमेट नहीं पूछा है, नॉन प्राइमेट, प्राइमेट नॉन प्राइमेटा मैमल्स में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द साइकिल इज नोन एज ईस्ट्रस साइकिल, ये सही है,
बिकॉज प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, नॉन प्राइमेट्स में ईस्टर साइकिल होता है. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन्स एट प्यूबर्टी, करेक्ट है, लेकिन इसको मेनोपॉज बोल रहा है, नो इट इज मेनार्क. तो ये गलत स्टेटमेंट हुआ, ये सही है, ये गलत है, बी गलत है. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेशन फॉर प्रेगनेंसी, यस ये सही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है तो मे बी प्रेगनेंसी हो सकता है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्कन, ये भी सही है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है. तो ऑप्शन देखिए ए सी एंड डी इज करेक्ट. 172 173 याद है आपको, वॉल्यूम से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, बताया था आपके वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे. तो देखिए वाइटल कैपेसिटी वीसी की बात करते हो, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टीवी आईआरवी ईआरवी, सो दिस इज करेक्ट आंसर. नाउ 174 प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है. देखिए इस बार देखें ना, 3 से 4 रिपीटेड क्वेश्चंस है. पिछला प्रीवियस ईयर्स में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा था, अब यहाँ पे जस्ट मैच करो पी वेव किसके बारे में है, दैट इज अबाउट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. फिर फर्दर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करो, सो दैट इज अबाउट डीपोलराइजेशन ऑफ व्हाट इज दैट वेंट्रिकल, टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. तो आप यहां पे देखिए मैच कर सकते हैं, पी वेव किसके साथ मैच हो रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. तो फिर बाकी चीजें हम मैच कर सकते हैं. ये 174 है, रिपीटेड क्वेश्चन है. 175 की बात करते हैं, देखिए कम समय में हमें यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करना है तो स्पीड जाना ही होगा. एसर्शन एंड रीजनिंग की बात हो रहा है. एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी, गलत है. एमनियोसिंथेसिस को तो बैन किया गया है, इट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी. यहीं पे स्टेटमेंट एसर्शन गलत हो गया. बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मिनट्स ऑफ फीमेल फिटिसाइड, ये बात सही है. ऑलरेडी बताया ना बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस, तो हो गया इसके अकॉर्डिंग ए इज फॉल्स आर इज ट्रू. नाउ 176 की बात करते हैं. वंस द अंडज, वंस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन चेक कर लीजिए. इलियोसीकल वॉल, अरे भाई ये तो टेंथ में भी पढ़ाया था. क्या है ये, आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनअब्सॉर्ब्ड फूड है, एंटर द सीकम एंड देयर बैक फ्लो प्रिवेंटेड बाय. तो ये सीकम पोर्शन समझिए, ये सीकम है. लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज व्हाट सर, डी जे आई, आई फॉर इलियम. सो इलियम एंड सीकम के बीच में, तो यहाँ जो स्पिंक्टर है वो है इलियोसीकल वॉल, तो डायरेक्ट है, फाइन. क्वेश्चन नंबर 177, वंस अगेन हमारे हम ये टॉपिक को डिस्कस किए लैकोपेरान के बारे में, जीन्स और उनके एंजाइम्स के, तो आराम से हम कर सकते हैं. जैसे कि आई जीन की बात करो, वो तो रेगुलेटरी प्रोटीन आता है, रिप्रेसार प्रोटीन आता है. जेड की बात करो, बीटा गैलेक्टोसिडेज है. वाई की बात करो, ट्रांस एसिटाइलेज, एंड फर्दर परमीएज इज अ जीन ए, जीन ए इज अ सॉरी जेड वाई ए, फाइन. सो जीन ए इज ट्रांस एसिटाइलेज एंड वाई इज परमीएज. तो ऐसे आप 177 डायरेक्ट एनसीईआरटी फिगर बेस्ड देखिए, इस बार कितने क्वेश्चंस आए, हर साल आ रहा है, फिगर्स दे रहा था, अभी फिगर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे इस बार पूछा है. 178 की बात करते हैं, तो सर यहाँ डाइजेशन से है, सेल्स के बारे में, पेप्टिक सेल को चीफ सेल भी बोल सकते हैं. तो पेप्टिक सेल से या चीफ सेल से जो एंजाइम आता है, चीफ एंजाइम, वो है पेप्सिनोजन. तो कहाँ मिला, ये हो जाएगा देखिए पेप्सिनोजन. गोब्लेट सेल्स, ये भी प्रीवियस ईयर्स में है, म्यूकस को. ऑक्सेंटिक सेल्स, तो पता है पेराइटल या ऑक्सेंटिक, पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स, ये क्या करते हैं, HCl को सेक्रेट करते हैं. बाकी आपको डायरेक्ट है. हेपेटिक सेल्स की बात करो, हेपेटिक सेल का मतलब होता है लिवर सेल्स, लिवर सेल से बाइल सेक्रेशन होगा. तो हो गया, मैच कर दिए, फाइन. 179 की बात करो, 179 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैरीड आउट बाय अ स्केलेटल सेल. हाँ, साइटोस्केलेटन के ऊपर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है. साइटोस्केलेटन का बहुत सारे फंक्शंस दिया है लाइन में, एनसीईआरटी लाइन में. वन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट सर, मोटिलिटी, मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है. 180
एसेशन इज वॉट, नेफ्रॉन्स आर टू टाइप्स. हाँ हमें पता है, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एक है, कॉर्टिकल एक है. यहाँ क्या बोल रहा है, टू टाइप्स है, ओके फाइन, कॉर्टिकल एंड जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी. जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजिशन ऑफ कॉर्टेक्स. दिस इज करेक्ट सर. टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर, कॉर्टिकल एंड जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी. जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनली. यहाँ गलत है स्टेटमेंट. कैसे, रीजन गलत है. ये देखिए, ये आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, इसका शॉर्ट होता है लूप ऑफ हेनली, लेकिन जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी का ऐसे लॉन्गर होता है. यहाँ क्या बोल रहा है, शॉर्ट है, तो रीजन गलत है, एसर्शन सही है. सो दिस इज करेक्ट आंसर. राइट सर. नाउ 181 की बात करो, 181 में दो स्टेटमेंट दिया है, आप चेक करो. हाइलाइटर यूज किए थे कि नहीं किए थे, चेक करो. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पर्टिकुलरली बोला था मैं आपको एनसीईआरटी में. मैं हाइलाइटर यूज करवाया था, थर्मल पावर प्लांट्स में इसका यूज होता है, आप मार्क किए थे. सो ये स्टेटमेंट सही है. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज इन थर्मल पावर प्लांट. बट वॉट इज द पर्पज, यहाँ देख दो, स्टेटमेंट टू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशन. दैट इज रॉन्ग. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड इन रिमूवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, नॉट दिस आयोनाइजिंग रेडिएशन. सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट. हो गया. चलिए 182 की बात करते हैं. तो सिंगल पाम क्रीज, ब्रॉड पाम. सो दिस इज वंस अगेन एनसीईआरटी फिगर. डाउन सिंड्रोम की बात हो रहा है. सो ये है डाउन सिंड्रोम, डायरेक्ट है आपको वो जो फिगर था ना, उस फिगर से, वहां सिम्टम्स भी मेंशन किया था, उससे क्वेश्चन मिला है, डाउन सिंड्रोम है. अब रेडियल सिमेट्री कहाँ नहीं मिलेगा, इट इज नॉट फाउंड इन एडल्ट. सो पहली बात, रेडियल सिमेट्री कहाँ है. रेडियल सिमेट्री आपको होता है सिलिंडरेट्स में, टीनोफोर्स में, एकिनोडर्मेटा में. यहाँ होता है, कहाँ नहीं है पूछा है. तो देखिए, टीनोफोरा में होता है, सिलिंडरेटा में रेडियल है, एकिनो में भी है, मतलब आंसर आपका हेमिकॉर्डेटा होना चाहिए. नेक्स्ट वन, 184, एचआईवी का लाइफ साइकिल की बात होता है. आपको तो पता है एचआईवी जो है CD4 रिसेप्टास है ना, CD4 रिसेप्टास जिस सेल पे होते हैं उसी पे अटैक कर रहा है. और CD4 रिसेप्टास मैक्रोफेज की बात होता है, टी हेल्पर सेल की बात होता है. तो नाउ देखते हैं ऑप्शंस क्या है. इन विच ब्लड कॉर्पकल्स HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस इट्स वायरल पार्टिकल्स. तो आपको जैसे बताया, आपको ऑप्शंस में मैक्रोफेज होना चाहिए या टी हेल्पर सेल होना चाहिए. तो टी हेल्पर सेल दिया है, बाकी ये सब गलत होगा. 184 क्लियर है. अब आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े आप, क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ये दोनों में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ाया था. दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेक्टर्स इन HGP एंड PBR. तो सब जानते हैं, प्लास्मिड बोलिवर रॉड्रिगिस. तो ये तीनों है भाई, लेकिन प्रोब नहीं है. प्रोब इज नॉट अ वेक्टर. प्रोब जनरली क्या होता है, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, DNA सेगमेंट हो सकता है. वो हम रेडियो एक्टिविटी लेबलिंग म्यूटेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए पता करते हैं. तो ये आपका प्रोब आंसर होना चाहिए 185 का. 186 की बात करते हैं. यहाँ पे फिर इकोलॉजी से क्वेश्चन है. बोल रहा है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है, जे शेप ऑफ कर्व. ये कब होता है, अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तभी जे शेप आता है. लॉजिस्टिक सिग्मॉइड कर्व है. सिग्मॉइड कर्व क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है. तो देखिए, लॉजिस्टिक लिमिटेड रिसोर्सेस, एक्सपोनेंशियल अनलिमिटेड रिसोर्सेस. हो गया मैच. फिर क्या बताया, एक्सपैंडिंग एज पिरामिड, स्टेबल एज पिरामिड. कभी भी एक पॉपुलेशन का डेंसिटी स्टेबल कब होगा, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स सेम होने से. तो मतलब इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखिए, इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव आर सेम, मतलब डी जो है 4 होना चाहिए. एंड एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन क्या होता है, एक्सपैंडिंग जहां प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा है कंपेयर्ड टू रिप्रोडक्टिव, तो ये प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होगा, तो फ्यूचर ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सपैंडिंग वन. सो दैट इज 186 का सॉल्यूशन हो गया. 187 की बात करते हैं हम लोग. तो सर 187 करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है,
रिगार्डिंग कॉर्डेट्स का फिगर याद है? चलिए, मुझे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड। हमें पता है डबल नर्व कॉर्ड कॉर्डेट में नहीं है, नॉन कॉर्डेट में होता है। एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यस ये हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ पेड फैन, ये भी सही है, कॉर्डेट का ही फीचर है, वो एक फिगर था ना, राइट। देन प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, हार्ट किस तरफ है हमारा, वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड थोड़ी है, ये गलत है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ तक ठीक है, सूडोसिलोमेट्स बोल रहा है, ये तो गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पूछ रहा है कि चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, तो बी एंड सी आर करेक्ट, हो गया सॉल्व। 188 की बात करते हैं, 188 इज रिगार्डिंग व्हाट, ह्यूमन ब्रेन। बताइए, लिम्बिक सिस्टम पढ़ाया था, सो लिम्बिक सिस्टम इन एसोसिएशन विथ हाइपोथैलेमस, इट कंट्रोल्स योर सेक्सुअल बिहेवियर, राइट। एंड आप फीलिंग्स के बारे में बात किए थे, जो भी आपका फीलिंग, जैसे कि आप आपके एक्सप्रेशंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, तो क्वेश्चन वही है, ह्यूमन ब्रेन जो है सेक्सुअल बिहेवियर को, एक्सप्रेशन, प्लेजर, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोलिंग दीज थिंग्स, सो दैट इज लिम्बिक सिस्टम इन एसोसिएशन विद हाइपोथैलेमस। नाउ यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर्स, बताइए मेमेलियन कैरेक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ हेयर होना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। यहाँ देखिए, मेमरी ग्लैंड आर प्रेजेंट, हेयर प्रेजेंट, पिन्ना प्रेजेंट, टिम्पैनिक गलत है, इनडायरेक्ट गलत है, एंड मोनोकॉन्डाइलिक स्कल नहीं है भाई, डाइकॉन्डाइलिक है ह्यूमन स्कल, तो आंसर मिल गया हमें। 190 की बात करते हैं, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड, थायराइड के फंक्शन याद है, तो नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड बोल रहा है, क्या है सर देखते हैं। वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, थायराइड कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोल करता है थायराइड। थर्ड वन स्लीप वेक साइकिल, नहीं थायराइड का कंट्रोल में नहीं है वो। इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट, थायराइड कंट्रोल के नहीं है, तो किसके कंट्रोल में है, मेलाटोनिन, राइट सर, तो मतलब ए एंड बी कंट्रोल में है। नेक्स्ट वन देखिए, आरबीसी फॉर्मेशन थायराइड के कंट्रोल में है, हो गया, तो ए बी ई आर थायराइड फंक्शंस, तो उसके अकॉर्डिंग जो नहीं है वो सी एंड डी होना चाहिए, राइट सर। 191 करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, टेट्राड फॉर्मेशन, करेक्ट स्टेटमेंट, टेट्राड फॉर्मेशन लेप्टोटीन में, नहीं सर लेप्टोटीन में तो टेट्राइड की बात ही नहीं होगी, वहां तो हम बोके स्टेज की बात करते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ऑलरेडी बॉटनी में डिस्कशन में आया था, एनाफेज टू सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन, नो पैकेटिन इज रिगार्डिंग व्हाट, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर। नाउ न्यूक्लियोलस, गॉल्जी, ईआर, अदर ऑर्गनल्स, टीलोफेस में रिफॉर्म होगा, ये सही है, टीलोफेस लास्ट फेज में रीअपेयरेंस ऑफ ऑर्गेनल्स, रिफॉर्मेशन। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये देखिए ये क्या है, ये दोनों होमोलॉगस है, क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में होगा, तो ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सिस्टर नहीं है, ये दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड बोलो, ये दोनों नॉन सिस्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स कितने हो गए चेक कर लीजिए, बी एंड डी इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, फिर 192 क्या होता है, 192 सेल्स के बारे में है, मास्ट सेल्स, कहां पढ़े मास्ट सेल्स, बेसोफिल मास्ट सेल पढ़े थे ना, एरियोलार टिश्यू फिगर में था, सो वन सेकंड फिगर बेस्ड, दिस इज एरियोलार, ब्रोंकियोल्स का इनर लाइनिंग, सो ये आपका किसका, सीलिएटेड एपिथीलियम, ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विच इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या होगा फिर, वहाँ पे जैसे कि पीसीटी की बात हो रहा है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है, तो वो जो ट्यूबुलर पार्ट्स में क्यूबॉइडल एपिथीलियम होगा, सो 192 सॉल्व हो गया। 193 की बात करो, तो 193 में आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कॉकरोच, अरे ये बताया था एक ही पॉइंट है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाया था भाई, मेल कैसा है, फीमेल कॉकरोच कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मेल में क्या होता है, एनल स्टाइल्स होते हैं, तो ये है इसके बेसिस पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब आप एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर पाओगे, वी कैन डिस्टिंग्विश मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स इन मेल, सो दैट इज 193 ऑप्शन। 194 की बात करते, क्वेश्चन इज कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस ऑन mRNA फॉर्म्ड इज गिवन, ठीक है, यहां पे बोल रहा है कि सीक्वेंस ऑन mRNA, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ
द सीक्वेंस ऑफ mRNA फॉर्मड इज एज फॉलोस, मतलब ये है mRNA का सीक्वेंस। आपको क्या पूछ रहा है? करेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड पूछ रहा है। तो पहली बात, mRNA का ओरिएंटेशन पता होना चाहिए, नीचे ऑलरेडी दिया है 5' to 3'। कोडिंग स्ट्रैंड ये भी 5' to 3', मतलब आपका आंसर एज इट इज होगा, एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया है वही होना चाहिए। द डिफरेंस इज आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होगा। तो देखिए सेम कहां ढूंढ, AUCGAU देखिए, तो मतलब यहां पे कोडिंग स्ट्रैंड में थायमिन आ गया, डीएनए में थायमिन आता है, आरएनए में यूरासिल आता है, बस वो डिफरेंस है। आप तो उसके अकॉर्डिंग देखिए ATCGAT राइट यहां दिया है, ठीक है। सो कोडिंग स्ट्रैंड mRNA का सीक्वेंस सेम होते हैं, जस्ट डिफरेंस ये है कि mRNA में आपको यूरासिल रहेगा, डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड में थायमिन रहेगा, नॉर्मली डीएनए में थायमिन होता है। अब और एक क्वेश्चन कॉकरोच के ऊपर, एक्सक्रीशन। हाँ तो एक्सक्रीटरी टॉपिक में आया था आपको, जो कॉमन है इसमें आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सर कौन से इसमें से इन कॉकरोच एक्सक्रीशन ब्रॉट अबाउट बाई हु आर रिस्पॉन्सिबल, तो ऑलरेडी फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोस, ये सब के सब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। उसके अकॉर्डिंग ये फैलिक ग्लैंड्स का एक्सक्रीशन में कोलैटरल तो हम फीमेल में देखते हैं, तो यहाँ पे तो BCD करेक्ट हो रहा है, ये तीनों एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है। नाउ 196 की बात करते हैं, दो स्टेटमेंट है, G0 फेज सेल्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। अरे भाई कोई भी स्टेज हो सेल साइकिल का, G1 हो, S हो, G2 हो, वो क्विजेंट स्टेज क्यों ना हो, हर जगह सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव ही होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इन सेंट्रोसोम या द सेंट्रोसोम अंडरगोस डुप्लीकेशन ड्यूरिंग S फेज ऑफ इंटरफेस, तो आपको पता है S का मतलब सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ DNA, उसी फेज में आपको सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होगा, तो सेंट्रियोल्स बोलो, सेंट्रोसोम बोलो, तो यहाँ ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, राइट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, मिल गया। 197 की बात करते हैं कि भाई नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग की वजह से लॉस क्या होता है, इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है देखिए आप, इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, हो गया, यहीं पे मिल गया आंसर। इनब्रीडिंग होगा तो आपको पता है वहाँ होमोजाइगोसिटी बढ़ता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, डायरेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पूछ रहा है यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर, बोल रहा था ना दो क्वेश्चन किडनी फंक्शन रेगुलेशन से, यही क्वेश्चन है वो, जब आपका बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है तो ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे हाइपोथैलेमस रेगुलेशन, पिट्यूटरी रेगुलेशन, ADH सीन में आ जाता है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए। ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्सॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, ये सही है। ANF इज अ वैसोडायलेटर, ये सही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, स्विच ऑन, लेकिन स्विच ऑफ दिया है तो ये गलत है। ADH इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ADH इज नॉट ओनली इंक्रीजिंग द वाटर एंड मिनरल रीअब्सॉर्प्शन, बट ये एक वैसो कंस्ट्रिक्टर भी है, वैसो कंस्ट्रिक्टर मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। नेक्स्ट, ADH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, नो, इंक्रीजेस। तो आपको करेक्ट जो पूछा है तो क्या मिला, BCD, ये देखिए ऑप्शन दिया है। 199 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल, करेक्ट पूछा है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो मसल बंडल टूगेदर कोलेजिनस कॉल्ड एज फैसिकल, ये गलत होगा, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अरे दैट इज नथिंग बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट स्टोर्स कैल्शियम, तो ये तो सही है। स्ट्राइटेड अपियरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिन मायोसिन, यस, एक्टिन मायोसिन थिन फिलामेंट की वजह से स्ट्राइएशंस आते हैं, ये सही है। एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन कॉल्ड, सर नहीं, एम लाइन नहीं है, दोज हेडलाइंस होते हैं, सार्कोमियर बोलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग बी एंड सी आर करेक्ट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है बेसोफिल्स के बारे में, बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, अरे भाई बेसोफिल्स लीस्ट अबंडेंट है तो ये गलत है। बेसोफिल्स सेक्रेट हिस्टामाइन सेरोटोनिन हेपारिन, यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो इन्हें सेक्रेट करते हैं। बेसोफिल्स हैव किडनी शेप, ये गलत है, बेसोफिल्स का नहीं है। बेसोफिल्स आर नो, दे आर ग्रैन्युलोसाइट्स, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स आर ग्रैन्युलोसाइट्स, तो हो गया जूलॉजी का सॉल्यूशन, समझ गए, तो डेफिनेटली आप इस
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको क्रॉस चेक करने में ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू।